ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अपने गुरूर के लिए सात शाहों के हारने के बाद भी शायरान ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। अपना आखिरी राजा उन्होंने जलाल से लड़ने के लिए भेजा और जलाल तैयार था इस बार भी जंग लड़ने के लिए। देखो इन कीड़े मकोड़ों को, चींटियों की तरह एक जगह इकट्ठे हुए हैं। साथियों, अल्लाह ताला और मकर संक्रांति के नाम पर जो जंग हमने शुरू की है वो जंग हम खत्म होने वाली है। हमसे हमारी आजादी कोई नहीं छीन सकता और ना ही हम पर कोई तानाशाही कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस जंग में भी उनका हाथ हमारे सर पर है, वो हमारी हिफाजत करेंगे। फजा के लिए ये जंग आसान नहीं थी। कई दिनों तक दोनों फौजों में घमासान होता रहा। आखिरकार जलाल अपनी फतेह के करीब आ गया था और इस बार ये जंग उसके तलवार की धार ने नहीं बल्कि उसके चरित्र की महानता ने जीती थी। इंतजार किस बात का है? कत्ल कर दो हमारा। हम तुम्हारा कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा मकसद तुम्हारा कत्ल करना नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। इन्हें बाइज्जत हमारे खेमे में लाया जाए। आइए मदद करें इनकी। आइए चाहते हो हमारा खून बहाना चाहते हो अपने हम मजहब भाई का सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक मगरूर बादशाह ने फतवा जारी किया है कि एक मासूम राजवंशी औरत अपना मजहब बदल दे। अगर यही चाहते हो लो शमशीर उठाओ, मार दो हमें, कर दो हमारा खून। अगर हमारे खून से तुम्हारा जिहाद पूरा होता है तो कर लो अपना जिहाद पूरा। कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। तो लो अब हमारे सीने में ये शमशीर भोंक दो। कसम है हमारी
कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने हम पर पीछे से वार किया। कोई बीच में नहीं आएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप पर क्यों वार नहीं कर पा रहे हैं। पर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी कौम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। आप हम पर इसलिए वार नहीं कर पाए क्योंकि जो अल्लाह हम सबके दिलों में बसता है उसे अल्लाह ने आपको ऐसा करने से रोका। और दूसरी बात कि हम कभी भी हमारे मजहब हमारे इस्लाम के खिलाफ नहीं गए। हम आज भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई गया है तो वो है शाहिरान जो हम पर दबाव डाल रहे हैं कि जबरन एक राजवंशी औरत को मुसलमान बना दिया जाए, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि कभी भी किसी से जबरन इस्लाम कबूल करवाना गुनाह है। हम कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं गए, हम बस उस इंसान के खिलाफ जा रहे हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। हम सच्चे मुसलमान हैं, अब भी अमन चैन में यकीन रखते हैं, अब भी भाईचारे में यकीन रखते हैं। इसलिए सच्चा मुसलमान होने के नाते आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वाकई में हम गलत थे, अनजाने में अपने ही मजहब के खिलाफ जा रहे थे हम। शुक्र है खुदा का कि आज हमें शिकस्त मिली और हम जान पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने हमें गुनाह अजीम से बचा लिया, अब हम अपने दिल से आपकी तरफ हैं। और सल्तनत आपकी हुई। हमें आपकी हुकूमत आपकी सल्तनत कुछ नहीं चाहिए, हम मजहब भाई चाहते हैं। जंग जीत चुका था, मगर वहां आगरा में हमीदा की तबीयत बिगड़ने के साथ साथ जोधा की जंग भी मुश्किल होती जा रही थी। हमें नहीं पता सलीका बेगम, कुछ भी कीजिए आप, एक बार हम अम्मी जान को देखना चाहते हैं। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, हम सह नहीं पा रहे, बस एक बार उन्हें देखना चाहते हैं। और अगर आपको देखकर गुस्से की वजह से फिर से अम्मी जान को दिल का दौरा पड़ गया तो चाहती हैं आप जोधा बेगम? शहनशाह के आने के पहले उनकी अम्मी जान उनके इस्तकबाल के लिए जिंदा ही ना बचे? रुक है बेगम, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप अम्मी जान के सामने ना जाएं। रुकैया बेगम, आप भी जोधा बेगम के हालात को समझने की कोशिश करें, उन्हें अम्मी जान की फिक्र है। हमें भी अम्मी जान की तबीयत की फिक्र है सलीमा बेगम, इसीलिए कह रहे हैं कि जोधा बेगम को अम्मी जान के सामने जाने की सोच दिल से निकाल ही देनी चाहिए। खुदा हाफिज़। जोधा बेगम, आप अम्मी जान को देखना चाहती हैं ना? हम दिखाते हैं आपको।
अलावा मिजान। जीती राव, आप हमसे अक्सर मिलने आया करें सलीमा बेगम, बहुत अकेला महसूस करते हैं हम। जोधा बेटी बनकर आई थी, मलिकाए हिंद बनी तो जैसे अपने फर्ज ही भूल गई। सी बात नहीं है सलीमा, आज न जाने जंग में क्या हुआ होगा, वहां से तो कोई खबर ही नहीं आई। जलाल और अपनों की फिकर लगी रहती है। अम्मीजान आप बेकार में फिकर कर रही हैं। ले लीजिए, खा लीजिए। नहीं, जब तक जलाल और बच्चों को देख नहीं लेते हमारे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। कितने सिपाही शहीद हुए होंगे, काश जोधा ने अपना मजहब बदल लिया होता, इतनी औरतें बेवा ना होती सिर्फ जोधा की जिद की वजह से। सलीमा, न जाने क्या हो रहा है जंग में। तस्लीम अम्मी जान, तस्लीम सलीमा बेगम। ये तश्तरी यहां से लेकर जाओ। आज हम सब फतेहाब हैं, लेकिन आप सबके साथ के बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। ये फतेह जितनी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की है उतनी ही आप सबकी भी है। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेख मुरादानी बेटा हमारे पास आए। आज का जश्न आप तीनों के नाम, आप तीनों ने जिस बहादुरी और एकी की मिसाल कायम की है, हमारी दरख्वास्त होगी आप सबसे कि जिंदगी भर उस मिसाल को कायम रखिएगा। आप तीनों सिपाहियों की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह, एक कुंबे की तरह जंग में लड़े हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सबने इस बात से एक सबक सीखा होगा कि जब तक आप तीनों साथ हैं कोई हिम्मत नहीं करेगा आपकी ओर देखने की। इसी के साथ हम ऐलान करना चाहेंगे कि आगरा पहुंचते ही हम एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे और उस जश्न में हम शहजादे सलीम को शाहशाह का ओहदा देंगे। हमने आपसे वादा किया था हमारे बच्चे कि वो ओहदा आपका ही होगा, क्योंकि आप हमारे लिए वलीहद थे, हैं और रहेंगे। अब खुश हैं आप? बहुत नाज है आप पर कि तब तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला, बहुत खूब हमारे बच्चे। हम हमारे नवरत्नों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारे नवरत्नों ने इस जंग में हमारा बहुत साथ दिया, ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि उन्होंने आगरा को भी बखूबी संभाला और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुगल सल्तनत के नवरत्न कहलाने के लायक क्यों है। अब हम चाहते हैं कि आप शायरान का एक पैगाम भेजें, उसमें लिखा जाए कि फौरन वो शाह तुर्की को दुनिया के खलीफा का ओहदा दें
और याद से उस पैगाम में ये जरूर लिख दीजिएगा कि उन्होंने हमारे वालिद साहब और हमारे दादा जान की जो मदद की है उन तमाम बातों के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी वजह से हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम उनकी सल्तनत पर कोई कब्जा नहीं करेंगे और ना ही उनसे उनकी बादशाहत छीनेंगे और ना ही कोई दखल अंदाजी करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुगल सल्तनत के अंदरूनी मामलात में जरा सा भी दखल दिया तो फिर हमें मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना होगा और हमारे कब्जे में लेना होगा। ये बात जरूर लिखवाइएगा। जी शाह। हम चाहते हैं कि हमारे तीनों शहजादे राजा मान सिंह के साथ ईरान के आसपास के इलाकों में जाएं और वहां जाकर सूबेदार तैनात करें और वहां मामलात को सुलझाने में उनकी मदद करें। हम फजल साहब और खाने खाना आगरा के लिए रुखसती लेते हैं। बिस्मिल्लाह की जाइए। मुबारक हो शाशा। गुद्धू बाप को भी बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा का शुक्र है कि ये जंग जल्दी खत्म हो गया। शहनशाह ये ठीक नहीं गया मुराद। हमें तो पता ही था ये होने वाला है। हम कोई शहजादे थोड़े ही, बस इनके हाथों की कठपुतलियां हैं। हमने अपना वादा पूरा किया अनारकली। हम जंग में सही सलामत हैं। हालांकि इस बार भी ये धुआं हमसे पहले आप तक पहुंचेगा, मगर इस बार हम जब लौटेंगे तो आपको अपना ना बनाएंगे। आपके पांव से घुंघरू हटाकर आपको अपने सर का ताज बनाएंगे। बस जोधा बेगम, इंतजार के पल खत्म हो गए। हम जल्द से जल्द आपके पास आ रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं फिर कभी ना जुदा होने के लिए। अकबर अपनी जंग फतेह करके आगरा वापस लौट रहा था, मगर उसकी जीत का पैगाम अभी तक आगरा नहीं पहुंचा था। आगरा में हमीदा ने खाना छोड़ रखा था। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मलिका हिंद का एक बाल बुलंद हो, गुलबदन बेगम आपसे मिलने आई हैं। फूफी जान, भेजो उन्हें। हे काना, सब कुछ शल करना। प्रणाम फूफी जान। अम्मी जान का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप ही बताइए जोधा बेगम, क्या बिना खाए मरीज की हालत सुधर सकती है? भाभी जान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्या करें हम? काश हम उनसे बात कर सकते, उन्हें समझा पाते, परंतु बात करना तो दूर की बात है। वो तो हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती है। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं जोधा बेगम। आप चाहें तो आपके हाथ से खाकर वो अपनी जिद छोड़ भी सकती हैं। कैसे फूफी जान? अम्मी जान तो हमें अपने पास तक नहीं आने दे रही है। कैसी अभागन बेटी है हम उनकी। अम्मी जान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम उनकी सेवा तक नहीं कर सकते। पर क्या करें, वो अपनी जिद भी तो नहीं छोड़ रही है। आप भी तो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है जोधा बेगम। कह दीजिए भाभी जान से कि आप उनकी बात मानने को तैयार हैं, इस्लाम कबूल करने को तैयार हैं। आप इधर अपनी जिद छोड़ेंगी और उधर भाभी जान भी शर्तिया अपनी जिद छोड़ देंगी। क्या कह रही है फूफी जान? शहनशाह ने हमसे वचन लिया है, हम उनका वचन कैसे तोड़ सकते हैं? हम हमारा धर्म कैसे बदल सकते हैं? जब शहनशाह लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे हम उनसे? उसी शहनशाह ने आपसे अपनी वालिदा का ख्याल रखने के लिए भी कहा है जोधा बेगम। जब वापस लौटेंगे और अपनी अम्मी जान को जिंदा नहीं पाएंगे, तब क्या जवाब देंगी आप उस शहनशाह को? आपका अहम, आपकी इज्जत, क्या आपके लिए भाभी जान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हम एक बात बता देते हैं आपको जोधा बेगम, कि भाभी जान आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। अगर आप उनकी जिंदगी की सलामती चाहती हैं, तो आपको ही अपनी जिद छोड़नी होगी। भाभी जान तो अपनी जिद छोड़ने से रहीं।
किस धर्म संकट में डाल दिया है आपने हमें काना। क्या करें अब हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारी सहायता करो काना।